और इस बीच यहाँ पर दुलिया वर्सेस अर्जुन सागर के बीच यहाँ पर सेकंड राउंड का पहला मुकाबला मेरे ख्याल से यहाँ पर ग्राउंड नंबर एक पर खेला जा रहा है और रीड की भूमिका यहाँ पर केसरी के राइडर राइड राउंड वन पॉइंट बाय अर्जुन सागर और अर्जुन सागर की ओर से अगली रेड करेंगे जर्सी नंबर 10 के राइडर नंदू भाई और दोनों काफी अच्छी टीमें हैं एक टीम नासिक डिस्ट्रिक्ट से और दूसरी धुलिया तो ये तो हमें आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि मैच कौन जीतेगा और यहाँ पर ऐसा लगता है खाली हाथ वापस लौटे हैं अर्जुन सागर के राइडर और अब अगली रेड करते हुए धुलिया के राइडर बढ़िया काफी खूबसूरत रेड हम्पायर का इशारा टू पॉइंट दो ही पॉइंट से जर्सी नंबर 3 के राइडर को खुश रहना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो भी रेफरियों का निर्णय आता है उस पर आपको खरा उतरना होता है और उस पर मानना ना होगा और इस बीच सिंगल पॉइंट बाय अर्जुन सागर और अब धुलिया टीम की ओर से रेड करते हुए धुलिया टीम के खिलाड़ी एक जबरदस्त मुक्का और सेकंड राउंड का सिलसिला मैंने रात को ही सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों को बता दिया था सिंगल पॉइंट बाय धुलिया इशारा दे रहे हैं सिंगल पॉइंट का तो जाना होगा आपको बाहर रात को ही मैंने आपको बता दिया था कि पूरी नाइट तक 10 राउंड का सिलसिला चलेगा और वही हुआ जो मैंने कहा राइडर मेरे ख्याल से राइडर से सिंगल पॉइंट बाय अर्जुन सागर खिलाड़ी का पैर शायद मिड लाइन छू चुका है इसी को टाइम अप कर ले नजर में रखते हुए टाइम अप कर ले राइडर को सेफ घोषित किया गया है अन्यथा राइडर तो बाहर था लेकिन जो खिलाड़ी है उसका शायद कोई हिस्सा मिड लाइन को टच हुआ है इसकी बातचीत करते हुए तार के लिए इशारा काफी होता है फिलहाल अगली रेट यहाँ पर करते हुए धुलिया के राइडर धुलिया वर्सेस अर्जुन सागर सेकंड राउंड का एक महामुकाबला फाइनल से कम का मुकाबला नहीं है दादा ये क्योंकि धुलिया और अर्जुन सागर काफी अच्छी टीमें हैं काफी फेमस टीमें हैं दोनों और मुझे तो ऐसा लगता है अर्जुन सागर टीम का खेल सभी ने देखा है जो धुलिया की टीम है उसका खेल शायद कई कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने शायद पहली बार धुलिया का खेल देखने का उन्हें मौका मिला है और दावा ठोकते हुए और सिंगल पॉइंट अर्जुन सागर विकेश को एक रिक्वेस्ट है जो बैट पार्टी के अंदर जो लाइट चल रही है उसका जो प्रकाश है वो सीधा मेरे मुंह के ऊपर आ रहा है तो उस लाइट को थोड़ा सा इधर उधर अगर तू घुमा सकता है तो उसको घुमा दे क्योंकि यहाँ पर अब सेकंड राउंड का जो सिलसिला चल रहा है काफी खतरनाक उड़ी मैच और थोड़े समय के लिए बिल्कुल यहाँ पर सही फैसला और अब अगले रेट करेंगे थर्ड रेड शायद ग्राउंड नंबर एक पर थर्ड रेड हो क्या दादा क्योंकि मैं बैंड पार्टी की गाड़ी के अंदर हूँ इसलिए सही ढंग से मेरे ख्याल से मुझे इस बात का टेक्निकल पता नहीं होता राइडर लॉबी में चले गए और पूरा विश्वास विजय को टच किया है राइडर ने 1.5 धुलिया धुलिया वर्सेस अर्जुन सागर और इस बार जर्सी नंबर 16 के राइडर छोटे गज के खिलाड़ी मूर्ति छोटी है लेकिन काम बड़ी अच्छी करते हैं अंपायर का इशारा थर्ड राउंड 1.5 के बाद धुलिया योगेश भाई का बढ़िया फैसला यहां पर जो जो मेरे दोस्त सोए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मैच देखने के लिए जाग जाए
क्योंकि सोना खाना पीना सोना रोज का काम है, लेकिन 12 महीने में एक ही ऐसी नाइट आती है जिस नाइट का नाम होता है धूली वंदन। त्योहार अर्थात कक्षवर में डे नाइट कबड्डी धमाका जो खेला जाता है 12 महीने के अंदर एक बार। फिलहाल जर्सी नंबर 10 के खिलाड़ी यहाँ पर रेड करते हुए जिसका नाम है नंदू जी, दोनों टीमें काफी खूबसूरत अब तक प्रदर्शन दिखा रही है और नंदू पूरा अपना वक्त लेते हुए बैकलाइन के आसपास और इस मैच के दोनों रेफरी प्रीति साबली और योगेश भाई काफी अच्छा तजुर्बा है दोनों के पास। और अगले दिलिया के आर से दिलिया बनाम अर्जुन सागर के बीच सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला यह खेला जा रहा है और इस बार अंपायर का इशारा सुपर रेड 3 points बाय दुलिया। यहां पर एक गलती कबड्डी टीम को पराजय कर सकती है। रेड राउंड 1 point बाय दुलिया और आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी नंदू 1+2 3 points बाय एवे इसलिए दोन विंडे ये ना पड़ी ऐसा लो करा का इतना ही रहा ना कै दड़ पिरा देख पास वाला इतनी शक्ति हमें दे ना दाता लास्ट रेड मन का विश्वास कमजोर करा इतनी शक्ति I'm out.